मैं डॉक्टर बीडी रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के जो इतिहास है, जिसका हम अध्ययन करते आ रहे हैं, उसमें महाकाव्यों का अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य जो में जो महाकाव्य है, उसका जो है एक विवेचन इस प्रकार से रहेगा। संस्कृत काव्य साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह होता है जिसका अभिनय किया जा सके, अर्थात जो अभिनयी होता है, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी जो नेत्रों का सहारा लेकर के जो अपने हृदय को आनंदित करे, ऐसे उसको हम जो है दृश्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य में केवल श्रवण ही मुख्य है, अर्थात हम केवल उसको सुन सकते हैं, वह कानों के सारे रसिक के चित्त को आनंद करता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत जो है समस्त रूपक हैं, उपरूपक हैं, ये जो ये सब आ जाते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी एक परंपरा है, वो सभी इसमें आते हैं। श्रव्य काव्य के तीन उपभेद किए गए हैं, उसमें हैं पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद्य काव्य वह होता है जो छंदबद्ध लिखो जाता है, छंदोबद्ध, उसमें छंद इत्यादि का विधान होता है, छंदोविहीन वाक्यों की रचना जिसमें होती है वह गद्य काव्य कहलाता है, जिसमें छंद नहीं होते हैं वो गद्य काव्य कहलाता है। गद्य और पद्य के जो मिश्रण है, सम्मिश्रण है, उसको हम जो है चंपू काव्य कहते हैं। गद्य, माफ कीजिएगा, पद्य काव्य के पुनः जो है इसमें तीन भेद किए गए हैं, उस पर वो तीन भेद इस प्रकार हैं, महाकाव्य, खंड काव्य एवं मुक्त काव्य। गद्य काव्य के भी तीन प्रमुख उपभेद हैं गद्य के, वह कथा है, आख्यायिका है और निबंध है। काव्य संबंधी जो ये विभाजन है उसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे सर्वप्रथम काव्य लेते हैं, उसके दो भेद किए हमने, पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक, जो नाटक इत्यादि हैं, 10 रूपक हैं और 20 उपरूपक हैं, वो लिए जाते हैं। श्रव्य काव्य में उसके जो तीन भेद किए गए हैं, गद्य, पद्य और चंपू। फिर पद्य के तीन भेद किए हमने, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्त काव्य। और गद्य के हमने तीन भेद किए, वो भी इस प्रकार हैं, पहला है कथा, दूसरा आख्यायिका और तीसरा निबंध। अब हम जो है, अब महाकाव्य किसे कहेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। महाकाव्य है संस्कृत साहित्य में एक और जहाँ महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक, उपन्यास आदि लिखे गए हैं, वहाँ दूसरी ओर शास्त्रीय जो ग्रंथ है उनके लिए परंपरा रही है। उसकी भी एक जो है वो परंपरा रही है। तो जो है ये जो संस्कृत साहित्य के बारे में जो हम अध्ययन करें, उसमें इन शास्त्रीय ग्रंथों को हम लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं। लक्षण ग्रंथों में आचार्यों ने उन मानदंडों का निर्धारण किया है जिनके आधार पर कवि तथा कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। यानी एक एक जो है उसके कुछ ऐसे मानक जो है निर्धारित कर दिए गए हैं, उनके उनके आधार पे ही जो है हम महाकाव्यों की रचना कर सकते हैं। ऐसे जो है महाकाव्य का स्वरूप जो कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, इन सब का जो है जो विवेचन जो है उन लक्षण ग्रंथों में किया गया है। विभिन्न आचार्यों ने महाकाव्य के जो शास्त्रीय लक्षण हैं उनको परिभाषित किया, जिसमें जो आचार्य भामह हैं वो उसमें प्रमुख रहे हैं, किंतु आचार्य दंडी की महाकाव्य विषयक परिभाषा ही सर्वाधिक मान्य हुई है। दंडी ने काव्यादर्श में महाकाव्य के जो जो कुछ लक्षण बताए वो इस प्रकार हैं। महाकाव्य की कथा वस्तु कोरी जो है कल्पना प्रसूत न होकर उसमें किसी प्राचीन आख्यान अथवा ऐतिहासिक व्रत के आधार पर होनी चाहिए। केवल कल्पना प्रसूत नहीं होनी चाहिए, उसमें ऐतिहासिक वो हो और जो प्राचीन आख्यान से रिलेटेड हो, जिसमें किसी महापुरुष के जीवन से संबद्ध व्रत का वर्णन किया गया हो।
दूसरा लक्षण जो वो कर रहे हैं वो इस प्रकार है, वो कह रहे हैं कि महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए, अर्थात तो उसके कथानक को सर्गों में निबद्ध किया जाना चाहिए। सर्गों की जो है कम से कम 8 या उससे अधिक होने चाहिए, न तो बहुत ज़्यादा छोटा हो, अति लघु न हो, न बहुत ही दीर्घ हो। तीसरा जो लक्षण वो कह रहे हैं, महाकाव्य का नायक कोई देवता हो अथवा कोई श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए, उसमें धीरोदात नायक के गुण विद्यमान होने चाहिए। नायक एक भी हो सकता है अथवा एक ही वंश में जो है कई मान लीजिए उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी हो, अनेक भी हो सकते हैं, जैसा कि रघुवंश महाकाव्य में है, वहाँ सूर्यवंशी अनेक राजा नायक हैं। चौथा जो लक्षण उन्होंने कहा किया है वो इस प्रकार है, महाकाव्य में श्रृंगार वीर और करुण रसों में से कोई एक प्रधान और शेष रस अंगिरस होने चाहिए, अर्थात गौण रस होने चाहिए। श्रृंगार वीर करुण में से 3 में से कम एक रस प्रधान रस होना चाहिए, अर्थात ये प्रमुखतया इस रस में उसका उन श्लोकों का या उस गद्यांशों का वर्णन होना चाहिए। उसमें जो है महाकाव्य में मुख प्रतिमुख आदि जो पंच संधियां हैं उनका भी सन्निवेश होना चाहिए, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इन 4 पुरुषार्थों का भी वर्णन होना चाहिए, परंतु इनमें एक महावाक्य का फल अवश्य होना चाहिए कि वो क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं। 5वां जो लक्षण है वो इस प्रकार है, महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण नांदी का विधान इस प्रकार हो जिसमें आशीर्वाद, नमस्कार अथवा कथा वस्तु का निर्देश हो, उसमें इसमें कहीं पर भी दुर्जनों की निंदा अथवा सज्जनों का गुण कीर्तन भी किया जाता है। 6ठा जो लक्षण है इस प्रकार है, महाकाव्य का नामकरण सामान्यतः कवि के नाम पर या एक चरित्र के नाम पर अथवा नायक के आधार पर रखा जाता है, कहीं इसमें इससे जो भिन्न आधार भी नाम हो सकते हैं। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का विधान किया जाए, किंतु सर्गांत पद्यों में छंद को परिवर्तन कर देना चाहिए। आगे कहा है, आगे का जो लक्षण इस प्रकार है, महाकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि है, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रभात, मृगया, पर्वत, ऋतु, वन, सागर, नगर, रण, प्रयाण, विवाह, मंत्रणा आदि का यथा स्थान वर्णन उसमें होना चाहिए। संक्षेप में ये ही महाकाव्य के लक्षण हैं, इनको हम महाकाव्य के लक्षणों के अंतर्गत लेते हैं। महाकाव्यों के लक्षणों का विधान उस समय किया गया जबकि संस्कृत में अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी। ये लक्षण जो पहले नहीं आए थे, ये लक्षण काफ़ी समय बाद में आए थे जब बहुत सारे महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी, वो कृतियां बन चुकी थी, क्योंकि लक्ष्य जो ग्रंथों के निर्माण के बाद ही लक्षण ग्रंथों की रचना होती है। अनेक जब हम महाकाव्य पढ़ लेते हैं तो उससे पढ़कर ही उनको पढ़कर ही हमें लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने में जो है उसकी मदद मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि दंडी ने अपने पूर्ववर्ती वाल्मीकि, कालिदास, अशोकघोष आदि महाकवियों की रचनाओं को लक्ष्य में रखकर ही उपयुक्त लक्षणों की सूची तैयार की होगी, परंतु यहाँ यह उल्लेखनीय भी है कि इन लक्षणों का अक्षरशः निर्वाह किसी भी महाकाव्य में दिखाई नहीं देता है। कालिदास उत्तरकालीन काव्यों में इन लक्षणों का पालन अधिक दिखाई देता है, अर्थात कालिदास से पूर्व जिन महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी उनमें इन लक्षणों का जो है पालन कम दिखाई देता है, परंतु कालिदास के बाद वाले जो महाकाव्य हैं उनमें इनका पालन अधिकतर पाया जाता है। अब हम जो चर्चा करेंगे महाकाव्य का कैसे जो है उद्भव एवं विकास, उनका कैसे वो उत्पन्न हुए और कैसे वो विकास की धारा में बहे, अर्थात वो उनका विकास निरंतर कैसे हुआ। वेद हमारे यहाँ एक मत से प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। वेदों के बारे में कहा गया है कि वो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों में भी ऋग्वेद सर्वाधिक जो है प्राचीन माना जाता है। अतः किसी भी साहित्यिक विधा के प्रारंभिक सूत्रों का जब प्रश्न समक्ष आता है तब सर्वप्रथम ऋग्वेद की ओर ही हमारा ध्यान जाता है। यह स्थिति जो है महाकाव्य के उद्भव को लेकर है।
यद्यपि आज जो विद्वान है उन विद्वानों का सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो यह है कि भारतीय कवियों को काव्य की प्रेरणा जो आदि वो महाकाव्य वाल्मीकि रामायण तथा कुछ अंशों में भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत से मिली है, तथापि महाकाव्यों की उत्पत्ति का बीज हमें वेदों से प्राप्त होता है। हम अगर उसका सूक्ष्म अध्ययन करें तो वेदों में भी उसके कुछ बीज पाए जाते हैं, अर्थात उसी समय से महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हो चुकी थी। विद्वानों ने इस दृष्टि से वेदों का अध्ययन करके लिखा है कि ऋग्वेद में कतिपय स्थल ऐसे भी प्राप्त होते हैं जहां मंत्र दृष्टा ऋषि की वाणी में काव्य प्रतिभा दृष्टिगत होती है। जैसे वेद में प्राप्त नारी संसी ऋचाओं में जहां तत्कालीन दानशील राजाओं की स्तुतियां हैं हमें काव्यत्व की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इसी प्रकार अथर्ववेद की उन ऋचाओं में भी काव्यत्व है जहां राजा परीक्षित के सौख्य का वर्णन है, ऐसा जो है माना जाता है। ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनमें एतरे ब्राह्मण में हरिश्चंद्रोपाख्यान सुनय शेप कथा तथा इतिहास पुराण काल में सुपर्णाध्याय आख्यान में भी काव्य तत्व जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, किंतु इसे हम वास्तविक काव्य शैली कहते हैं। वास्तविक काव्य शैली जो है हम इसको कहते हैं। इस प्रकार जो है उसका जो पूर्ण परिपाक संपूर्ण वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होता है। वस्तु स्थिति यह कि काव्य का पूर्ण परिपाक वेदों एवं तत्कालीन अन्य ग्रंथों में न होकर रामायण एवं महाभारत में ही प्राप्त होता है। पांडे एवं व्यास ने अपने संस्कृत साहित्य की रूपरेखा में स्पष्टतया इस तथ्य को स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि पर वस्तुतः संस्कृत का आदि महाकाव्य रामायणी है, यही उस काव्य धारा का उद्गम है जो भास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ आदि विभिन्न स्रोतों में विभक्त होकर संस्कृत के काव्य कानन को चिरकाल से सींचती चली आई है। रामायण की सरल, मनोहर एवं जो अलंकृत काव्य शैली ने कालिदास और अश्वघोष जैसे महाकवियों को पूर्णतया प्रभावित किया तथा परवर्ती जो कवि हैं उन कवियों के समक्ष महाकाव्य का जो आदर्श रूप उपस्थित किया। रामायण की भांति महाभारत में भी कहीं कहीं काव्य शैली जो लक्षित होती है, किंतु इसका मुख्य विषय काव्य नहीं अपितु इतिहास है। यद्यपि महाकाव्य की उत्पत्ति कब हुई और तथा सर्वप्रथम कौन सा महाकाव्य लिखा गया इसे ठीक ठीक जो है बतलाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, तथापि संस्कृत साहित्य में महाकवियों की विकास परंपरा में संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय पाणिनि, वररुचि तथा पतंजलि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य रुद्रटकृत काव्यलंकार सूत्र के टीकाकार नवी साधु ने पाणिनि द्वारा जो रचित दो महाकाव्य जाम्बवती विजय तथा पाताल विजय का उल्लेख किया है। विद्वानों का मत है कि ये दोनों काव्य वस्तुतः एक ही हैं, परंतु इनके नाम बोले भिन्न भिन्न हैं। ये ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, परंतु इनका परिचय अनेक ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। क्षेमेंद्र ने पाणिनि के उपजाति छंदों की बड़ी प्रशंसा की है। बहुत से विद्वान कवि पाणिनि को व्याकरण पाणिनि से भिन्न मानते हैं, क्योंकि उनके श्लोकों में व्याकरण के नियमों की जो है अवहेलना है, अर्थात उनके व्याकरण के नियमों की पालना नहीं की गई है, परंतु संप्रदाय दोनों का एक ही मानते हैं। राजशेखर ने व्याकरण के रचयिता और जाम्बवती विजय के कर्ता पाणिनि को जो है अभी नहीं माना है। वररुचि के नाम से भी अनेक सुंदर श्लोक विभिन्न सुभाषित ग्रंथ संग्रहों में उपलब्ध होते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन कवि वररुचि को अष्टाध्यायी के वार्तिकार
व रुचि किम्वा का त्यंचे अभिन्न माना है। पतंजलि के महाभाष्य से ज्ञात होता है कि वरुचि अर्थात कात्यायन ने भी एक काव्य लिखा था। वरुचि इस काव्य का नाम संभवतः कंठाभरण था, जैसा कि राजशेखर ने जो है उसका स्पष्ट उल्लेख किया है। यथार्थता कथम नामनी मा भूत वररुचि रेरी है व्यधत कंठाभरणम ये सदारोहण प्रिय है। पतंजलि 150 ईस्वी पूर्व अपने महाभाष्य में काव्य साहित्य से पूर्ण परिचित प्रतीत होते हैं। एक ओर अपना भारत से परिचय व्यक्त करते हैं तो दूसरी ओर वे कंसवध व बलिबंध नामक दो नाटकों का निर्देश करते हैं, जहां वे वररुचि काव्य और वासवदत्ता सुमनोत्तरा और भयभरती आख्यायिकाओं का उल्लेख करते हैं। वहाँ वे काव्य शैली में रचित पद्यों की कतिपय पंक्तियाँ भी उद्धृत करते हैं। यद्यपि वे रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी उनके नामोल्लेख से यह सिद्ध होता है कि ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी के बहुत पहले काव्य साहित्य की समस्त विधाओं महाकाव्य गीति काव्य लोक कथा नीति कथा एवं नाटक का पूर्ण प्रसार था। शिलालेखों में जो भी कुछ अलंकृत काव्य मिलते हैं उनके आधार से भी थोड़ा सा हम उसका विवेचन करेंगे। ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास के कतिपय जो शिलालेख उपलब्ध होते हैं जिनकी भाषा शैली का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि उस समय तक जो है महाकाव्य जो साहित्य है उसका पर्याप्त विकास हो चुका था। रुद्रदामन का गिरनार वाला जो शिलालेख 150 ईस्वी का है उसमें अलंकृत काव्य शैली का वो एक नमूना है। लगभग इसी समय के पुलुमाई के नासिक वाले प्राकृत शिलालेख से भी यही बात प्रमाणित होती है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण हरिसेन कृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति 350 ईस्वी पूर्व सुंदर एवं समृद्ध काव्य का उदाहरण है। काव्य साहित्य की स्मरणीय प्रगति वत्सभट्टी के मंदसौर के अभिलेख से भी स्पष्ट है। सूर्य मंदिर के संदर्भ में लिखा गया है कि यह अभिलेख 44 श्लोकों में है। इन समस्त शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि काव्य प्रगति अखंड रूप से तथा अबाध गति से होती आई है। इन शिलालेखों की भाषा शैली इस बात के संकेत प्रदान करती है कि उसके पूर्व अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी। अतएव मैक्स मुलर महोदय का यह कथन है कि ईस्वीय प्रथम चार शताब्दियों में संस्कृत काव्य रचना न हो सकी थी क्योंकि विदेशियों के आक्रमण से भारत की अंतर्दशा अस्त व्यस्त हो गई थी, अतः राजश्रय के अभाव में काव्य का विकास संभव नहीं रह गया था। पुनः गुप्त काल में आकर इसका पुनर्जागरण हुआ है और सर्वथा भ्रांतिपूर्ण है क्योंकि स्वयं कनिष्क 78 ईस्वी के राज्यकाल में अशुघोष ने धर्म प्रचार की दृष्टि से बुद्ध चरित एवं सौंदरानंद महाकाव्य की रचना की थी। अशुघोष विरचित महाकाव्य इस बात के लिए प्रमाण है कि ईस्वीय प्रथम शतक में संस्कृत काव्य कला लोकप्रिय बन चुकी थी, इसलिए बौद्ध कला होते हुए भी अशुघोष ने अपनी भाषा पाली में न लिखकर संस्कृत में अपने काव्यों को लिखा था। इन जो काव्य हैं इन काव्यों की विकसित भाषा एवं जो सरस व्यक्तित्व है वो इस बात की स्पष्टतया परिचायक हैं कि इससे पूर्व भी उच्च कोटि का काव्य साहित्य रचा जा चुका था इस और जो इस समय भी उसका प्रचार हो रहा था। अतः मैक्स मूलर का पुनर्जागरण का सिद्धांत कोरी कल्पना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जहाँ तक संस्कृत महाकाव्य के विकास परंपरा का संबंध है, महाकवि अश्वघोष तथा महाकवि कालिदास के समय की पूर्वापरता जो आज तक विवादास्पद ही है, विद्वानों का एक समूह जहाँ अश्वघोष को प्रथम कवि मानकर बुद्ध चरित को महाकाव्य परंपरा का
प्रारंभिक ग्रंथ मानता है। वहां द्वितीय समूह कालिदास को प्रथम कवि मानकर कुमार संभव को जो है वो प्रथम महाकाव्य के रूप में मानता है। हमने अश्वघोष को प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया क्योंकि अश्वघोष का स्थिति काल सुनिश्चित है, जबकि कालिदास के स्थिति काल के संदर्भ में अध्यावधि विद्वानों में मतैक्य नहीं है। इस प्रकार जो है हमने जो महाकाव्य के उद्भव और विकास का एक सामान्य अध्ययन किया है। अब हम आगे जो है अग्रिम जो हमारा जो अध्याय हुआ, हमारा जो लेसन होगा, उसमें विभिन्न कवियों के जो है जो काव्य हैं, महाकाव्य हैं, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।